हनुमान चालीसा विवाद में संकट में फंसे पॉलिटिकल कपल नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को आखिरकार कोर्ट से बेल मिल गई है। उन्हें बेल कुछ शर्तों के साथ मिली है, लेकिन कई दिनों बाद उन्होंने आज खुली हवा में सुकून की सांस ली है। नवनीत राणा एक निर्दलीय सांसद हैं, जबकि उनके पति रवि राणा निर्दलीय विधायक हैं। इन पर आरोप ये था कि इन्होंने सीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा बजाने से जुड़ा एक बयान दिया था। जी हाँ, एक कोरा बयान। बस फिर क्या था, इन पर जो सियासी कहर टूटा उस पर बस ये परेशान ही नजर आए। हालांकि उन्होंने बाद में अपना बयान वापस भी ले लिया था, लेकिन उससे उनकी परेशानियां कम नहीं हुई। इस पर कई धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। हालांकि अब कोर्ट से उन्हें बेल मिल गई है, लेकिन इस मामले पर सियासी बयानबाजियां जारी हैं। कोर्ट के इस फैसले का महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी स्वागत किया है। उन्होंने राणा दंपति की बेल पर खुशी जाहिर की है, साथ ही उन्होंने प्रदेश की व्यवस्था पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश में अगर किसी पर हनुमान चालीसा की वजह से राजद्रोह लग जाता है तो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सिर्फ हनुमान चालीसा बोलने पर 12 दिन का जेल हुआ था, आज उनकी बेल हुई है राणा दंपति। उनकी बेल होने ही वाली थी और कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, क्योंकि इस देश के अंदर हनुमान चालीसा बोलने पर राजद्रोह का गुना अगर किसी के ऊपर लगता है तो इससे मूर्खतापूर्ण और क्या बात हो सकती है। ये सरकार की निरी मूर्खता थी और आज कोर्ट ने बेल देकर इस मूर्खता को उजागर किया। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके निर्दलीय विधायक पति रवि राणा को कोर्ट ने जमानत तो दे दी है, लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इसमें उन्हें कहा गया है कि वे कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, ऐसा कोई अपराध फिर से नहीं दोहराएंगे और ना ही सबूतों से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ करेंगे। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन वो करते पाए जाते हैं तो उनकी जमानत रद्द की जाएगी। गौरतलब है कि राणा दंपति को 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हनुमान चालीसा बजाने के बयान पर ये विवाद ऐसा गर्माया कि उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में भी खासी तनातनी देखी गई थी। इस पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने चेतावनी देते हुए ये तक कह डाला था कि उनसे या उनकी पार्टी से खेलने की कोशिश ना की जाए, वरना जमीन के 20 फीट अंदर गाड़ दिया जाएगा। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस की कार्यवाही पर ही सवाल उठा दिए थे और कहा था कि वो सत्तारूढ़ दल के इशारे पर काम कर रही है। खैर, लंबी जद्दोजहद के बाद अब राणा दंपति जेल से बाहर है और शायद अब उन्होंने कुछ सुकून की सांस भी ली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।